और कह रहे हैं वो बेचारे को पता नहीं है क्या कीजिएगा, जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, आई मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को, उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो न ही स्वास्थ्य और ना ही शिक्षा पे बात कर रहे हैं। इस सवाल को जब सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लिया गया तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज बिहार आए थे और ठीक ही कहा कि वो लालू प्रसाद ही रेल मंत्री थे जो गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी को फंसाना चाह रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी पल्यापुन के बयानों को सुने। हर बार प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पे बात नहीं करते और कह रहे हैं वो बेचारे को पता नहीं है क्या कीजिएगा, जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, आई मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को, उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया, आईएम को बढ़ाने का काम किया और पूरे देश में मेडिकल के सेक्टर में और स्कूलिंग के सेक्टर में पूरे ब्लॉक तक चीजों की चिंता किया। आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद वही रेल मंत्री हैं जो गोधरा में हमको फंसाना चाहते थे। तो लालू जी को जिनको स्वयं जनता दल के लोगों ने फंसाया, जनता दल के लोगों ने जेल भेजवाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऑर्डिनेंस फाड़वाया, तो आप समझ सकते हैं कि लालू जी कौन से कृत्य करने वाले हैं। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हों, बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही लालू जी होते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लेकर सम्राट चौधरी हमलावर थे, कह रहे थे तेजस्वी यादव मंत्री बन के सब कुछ लूटना चाह रहे थे लेकिन वो भूल गए थे कि पावर मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन उन्हें संविधान की जिस तरह से जानकारी नहीं है उसी तरह देश का डाटा उन्हें पता नहीं है। एम्स की जो संख्या थी वो 5 गुना बढ़ गई, EIM की संख्या जो थी वो भी बढ़ गई, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तमाम खबरों के लिए हमसे बने रहे हैं, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।